ये भाई सिलों रखो खड़ा गया भाई शायद ही मन रहा। आज से 9 महीने पहले अखबार में आपने पढ़ा होगा तो सेम चौटाला नानुद की अनाज मंडी में निरीक्षण करने के लिए आए थे और दादा देवराज धर्मशाला में किसानों की समस्या सुन रहे थे और यू भाई सब दिन मेरे दौड़ पी ठहरा बेरा को बताया करती भी किसी दुकान पर भी काला झंडा नहीं ले आया कदे किसी ने पता लग जाए घर जाएगी इसकी माँ की वायल मत है कैसी कदा दो झंडे काट के काले एक इस गोज में एक इस गोज में और धीरे धीरे वहां स्टेज पर फंस गया। सिल्लू ने कौन रोके सिल्लू ने तुझे छोटा लगा चाय पानी दे रखी थी उसको खाना भी दे रखा था तो सिल्लू तो आराम से उसके पास पहुंच गया। जब आप और ये भाई बैठे इतनी दूर जा करके दोनों को जब मैंने झंडे काट के लोग हरियाणा सरकार मुर्दाबाद किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद तो वहां शेख मेरे मित्र का टेलीफोन आया नमला जी आपका डब्बी है पुलिस पकड़ लेगी। मैं क्यों मुझे दुष्यंत काले झंडे दिखा दिए है मगा बेवकूफ झूठ बोल मेरे दौरे सब जगह बैठा था नुगला प्रधान जी का आपका ना लिखवा दिया नुगले तो फूल पर पेट भरने सिखा के भेजे है। अरे मैं फिर एक तो तोड़ गया और बढ़िया हो गया। एक साथी मंडी में गया और बोला प्रधान जी यह बात तो साजिश है। मैं बाजा गया तो सिलो थान में एक तख्त में बिठा रखा मैं बोला भाई सिलो ज्यादा चोट साठ तो नहीं लागी तो बोला बात चोट साठ तो लागी बोले गुस्से कहीं ला ही नहीं माँ कोई बात नहीं तेरे बहादुरी का काम क्या है तेरे किसानों की आवाज को उठाया है और बढ़िया काम किया तो ये सब अपना आंदोलन शुरू हुआ ये सब ये अपना आंदोलन शुरू हुआ तो भाई सिंधु लोहान को विकास शीर्षक और सुरेश कोच को अरे भाई नारायण से चंगी 4 बजे 8 गाड़ियों की लैस होकर के भाई को गिरफ्तार कर ले उसका टेलीफोन आज छोरे करना ताऊ मेरा ताऊ ने तो पुलिस लेगी पकाऊंगा भाई हम पहुंचे थाना में ऐसे छोटी नुमरा जी कोई नहीं थोड़ी देर में छोड़ देंगे। मैं मेरे भाई श्याम तो बिठाए रात है और श्याम ने हमें आगे ले जाएंगे। श्याम ने भाई सिल्लू तो दौड़ाने गए थाना में नुमरा जी नू को तो आप घड़े हो गए थे थाना के लेते हमने तो कोविड सेंटर में भेज दिए पता लगा कोविड सेंटर की जगह भाई साल जेल में डाल दिया और कोठड़िया में रहे 4 दिन तक रहे। चलो बड़ी अच्छी बात है कि किसानों का आंदोलन था और आंदोलन में कितनी भी यात्राएं मिले कितनी भी हमें तकलीफ हो मिलजुल करके इस लड़ाई को जीतना है। जय संघर्ष जय एकता। धन्यवाद।